पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, सिलिकॉन एटम्स के साथ हम एक क्या करते हैं, एक एटम डालते हैं, डोपिंग करते हैं, लेकिन इस बार जो डोपिंग करेंगे वो पेंटावेलेंट सीरीज से नहीं करेंगे, ट्राइवेलेंट से करेंगे। तो यानी कि इसमें ट्राइवेलेंट एटम डालेंगे, जैसे कि इंडियम, बोरोन या एल्यूमिनियम, जिसके पास कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, चौथा है ही नहीं। तो होगा क्या, इसमें ऐसा होगा, स्ट्रक्चर से समझते हैं, इसके अंदर हम जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, इसके अंदर क्या डाल दिया, इंडियम, तो ये ट्राइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट एटम जो भी होगा उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 के साथ वो शेयरिंग कर लेगा, 1 के साथ नहीं कर पाएगा, तो जबरदस्ती क्या क्रिएट हो गया, इसमें होल क्रिएट हो गया, तो एक होल क्रिएट हो गया। तो हमने जानबूझ के एक होल क्रिएट कर दिया, होल इसलिए क्रिएट किया, हल्का सा ये 0 केल्विन की बात हो रही है, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा सेमीकंडक्टर का, ये बॉन्ड भी ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यानी कि सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में भागना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जैसे ही फ्री होगा कंडक्शन बैंड में जाएगा, वो देखेगा यहाँ पर होल है, यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, अपनी जगह होल छोड़ जाएगा, फिर पड़ोस का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहाँ पर आ जाएगा, अपनी जगह होल छोड़ जाएगा, तो होल की मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी, और क्योंकि होल की मूवमेंट भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें जो होल की मोमेंट है वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करती है। तो एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फालतू थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट ज्यादा होता है, पी टाइप में होल्स फालतू क्रिएट किए गए हैं डोपिंग की वजह से, तो इसमें होल्स की मूवमेंट ज्यादा होती है, इसमें होल करंट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कम होता है। तो इसके अंदर ये एग्जाम्पल है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी टाइप कैसे बना, ट्राइवेलेंट के साथ बना। दूसरा क्वेश्चन, पी टाइप का ओवरऑल चार्ज, इसमें होल ज्यादा है तो ओवरऑल इसको पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था, पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा क्यों? तो मैंने बताया, आप सब सिलिकॉन 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 हो, आप तो न्यूट्रल हो, चार 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 रुपए आपके जेब में, मेरा नाम, मैं जो आया हूँ वो ट्राइवेलेंट सीरीज से आया हूँ, अब मेरे को भगवान ने 3 रुपए देके पैदा किया भाई, तो मैं तो न्यूट्रल हूँ 3 रुपए में, आपके हिसाब से डेफिशिएंट हूँ, पर अपने हिसाब से तो मैं न्यूट्रल हूँ, तो ओवरऑल आपके साथ बैठ भी जाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हूँ, क्योंकि ना तो मैंने किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लिया ना किसी को दिया, तो ओवरऑल पी टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। ठीक हो गया, तो दूसरी चीज है। तीसरी चीज, एनर्जी लेवल का क्या हुआ, फर्मी लेवल का क्या हुआ, हमेशा पूछा जाता है फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल डिस्कस, वो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन यही है कि फर्मी लेवल का चेंज बताओ क्या होगा इन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, यही आएगा। तो फर्मी लेवल में आपने क्या लिखना है, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। फर्मी लेवल जो है इसमें क्या क्रिएट हो जाते हैं, जबरदस्ती होल क्रिएट हो जाते हैं, इसके अंदर होल क्रिएट हो जाते हैं। जब होल क्रिएट होते हैं तो फिर क्या होता है इसमें, वो होल क्या है, एक खाली सीट है, खाली सीट कंडक्शन बैंड में कभी पैदा नहीं हो सकती, खाली सीट कंडक्शन बैंड में तो होती नहीं, होती तो कहां पर है, वैलेंस बैंड में होती है। इस बार वैलेंस बैंड में थोड़ा सा नियर टू द वैलेंस बैंड है, थोड़ा सा ऊपर क्रिएट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब, जैसे ये बेंच रखे हुए हैं क्लास में, ये बेंच एनर्जी स्टेट है, मैं न्यूक्लियस हूं, ये एटम है, ये एनर्जी स्टेट्स हैं। पहले फर्मी लेवल कहां पर था, वो फर्मी लेवल है। अब मैंने 2-4 बेंच ना डोनर को कह के, जो उसमें होल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 1-2 बेंच कॉरिडोर के वहां लगवा दिए या बिल्कुल सामने रखवा दिए, ताकि आप वहां भी बैठ सकते हो। वहां बैठने का यह फायदा है कि आपकी जो कंडक्शन बैंड की जंप है वो थोड़ी सी कम हो गई। कहां आपको यहां बैठ के यहां जंप करना पड़ता है, कहां आप यहां बैठ के यहां जंप कर पाओगे, तो एनर्जी का गैप थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको बैठने की एक सीट दे रहा हूं मैं, और सीट का मतलब होल दे रहा हूं, और होल कैसे दे रहा हूं, इसके पास थे नहीं सिलिकॉन के पास, मैंने क्या किया, ट्राइवेलेंट एटम डाल के, एक जबरदस्ती डोपेंट डाल के इसमें एक होल क्रिएट करवा दिया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि पी टाइप में एनर्जी लेवल, ये जो फर्मी लेवल है, वो कहां शिफ्ट हो जाता है, नियर टू दी वैलेंस बैंड, और इस एनर्जी स्टेट का नाम है एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट, एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट बोलते हैं इसे। एन टाइप में क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी स्टेट, इसमें क्या बोलते हैं, पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट बोलते हैं। तो फर्मी लेवल का दूसरा नाम है एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक,